हेलो गाइस, तो आ गया हूँ मैं एक और गेम के वीडियो के साथ। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे पॉन्ग वंग, और ये है इस गेम के सीरीज का एपिसोड 3। तो मैंने बहुत सारा ऑफलाइन बिखेरा था, जिससे मैंने यहाँ पे एक और चेस्ट बना दिया, जिससे मुझे पोकेमोन है वो जो पड़ा हुआ सामान होता है वो गा के इसमें रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ और बेड बना दिया अपने पोकेमोन के लिए, और ये है फ्रैगमेंट बनाने की मशीन। इससे हम फ्रैगमेंट बना सकते हैं, इससे हमें एचपी भी बहुत ज़्यादा मिलता है। फ्रैगमेंट से हम बना सकते हैं पॉन्ग स्फीयर। और ये है स्टोन का, ये है इसमें जो हम ये पोकेमोन है ये स्टोन तोड़ता रहता है, जिससे हमें स्टोन मिलते रहता है। ये पोकेमोन मैंने पकड़ा था ऑफलाइन में ही, और ये मैंने कुछ टेबंग बनाया था, और यहाँ पे एक और बेडी का प्लांट बनाया था, जिससे ये खुद खाना बना के खा लेते हैं, अपना खाना उगा के। एक इस पर पानी डालते हैं और एक सीड डालता है। और ये है स्टैचू, जिससे हम अपना कैप्चर पावर बढ़ा सकते हैं, इससे हम पोकेमोन को जल्दी पकड़ भी सकते हैं। और ये है एक वैसा ही वुड का, जैसे वहाँ पे स्टोन का था। मैंने अभी कोई ऐसा पोकेमोन मैंने नहीं रखा जो इसमें वुड तोड़े, तो मैं कभी कभार खुद ही वुड तोड़ेंगे तो। और ये है कुछ पोकेमोन जो मैं ऑफलाइन में और पिछले एपिसोड में बग रहा था। इसमें सबसे फेवरेट मेरा ये है वंगनाइन का कैपिटी। ये बंदा 2-4 शॉट में ही मार देता है पोकेमोन्स को। मैं बड़े बड़े पोकेमोन से मैंने अभी तक लड़ा ही नहीं हूँ जिसको ये मार पाए, जिससे भी लड़ा हूँ उसको ये मार ही देता है 2-4 शॉट में। और ये कुछ फॉक्स पार्क्स है जो मैं 3-4 पिछले एपिसोड में क्या आया था, और ये कुछ कैटिवा है जो मैं पहले से ही क्या रख चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉक्स पार्क रख देता हूँ, जो भी मदद करेगा खाना बनाने में। जो यहाँ पर मैंने खाना रखा ये खुद इसको पका, तो ये बंदा खुद अपने मुँह से आग निकाल के इसे पका रहा है। तो ये सही बंदा खुद पका देता है इसमें। और वहाँ पर है ये इस टोकरी में हमारे पोकेमोन का खाना, देखता हूँ है या नहीं इसमें। तो इसमें है अच्छा खासा बैडी है जो खा लेते हैं खुद ही उसमें से उगा के। और ये गाइस मैं पहले अपना जो सामान है उसे वापस रख देता हूँ चेस्ट में, और ये सब निकाल लेता हूँ स्टोन और वुड से। अब आज मैं पोकेमोन्स भी पकड़ने जाऊँगा, तो यहाँ से मैं कुछ स्टोन उठा लेता हूँ जो इसने अभी तक तोड़े हैं। तो भाई कितने पोकेमोन कितने तोड़ दिए तूने? तो अच्छे खास तोड़ दिए, 250 तोड़ दिए ना, 282 बहुत तोड़ दिया है। मैं तो पूरा बैग भी बढ़ गया, बहुत टाइम लगेगा यार अब जाने में। अच्छा खासा तोड़ दिए बंदे ने। तो आखिरकार पहुंच गया टेबंग तक। अब जल्दी से चंक के यहाँ पे बनाता हूँ पैग, देखते हो कितने मैक्स बन सकते हैं। तो मैक्स बन सकते हैं 35 मैक्स बन सकते हैं। तो 35 बना लेता हूँ मैक्स, स्टार्ट प्रोडक्शन। और ये बंदा आके मदद करेगा, है ना? कहाँ है? तो आखिरकार बन गया यहाँ से। भाई बहुत टाइम लगा मगर बनने में। तो जाऊँगा अब मैं अपना आर्मर रिपेयर कर लेता हूँ यहाँ से। तो आर्मर भी अभी डैमेज था पिछले जो ऑफलाइन में मैंने बाकी खेला था ना, तो उसमें आर्मर भी डैमेज हो गया। तो ये आर्मर रिपेयर कर लेता हूँ, एक बहुत लगेगा है ना। तो यार वुड की कमी पड़ गई, वुड की हमेशा कमी पड़ जाती है यार। कॉमन शील्ड भी हम करने के लिए वुड की कमी है। तो पहले यार ये एक तो इतना धीमे चल रहा, तो बाकी स्टोन पहले इसमें रख देता हूँ, वापस आऊँगा तो उठाऊँगा। इसमें एक ही वुड है मगर, तो आगे वुड उठा के क्यों नहीं आते, वुड खुद तोड़ के आना पड़ेगा यार। तो यही पास आगे पेड़ तोड़ के तो यहाँ का सफाई हो जाएगी, है ना? तो आखिरकार टूट गया है वुड, तो मैं मिल गया इसमें से 23 वुड ना। तो चंगता वापस बनाने के लिए पहले यहाँ से थोड़ा बहुत स्टोन उठा लेता हूँ, पूरा ही उठा लेता हूँ, है ना? और ये कुछ वुड भी है यहाँ पे स्टोन। फिर यार बैग बढ़ेगा यार फिर से, जल्दी से अब जाना पड़ेगा धीम में। अरे यार बहुत टाइम लगता जाने में। तो आखिरकार पहुँच गए यहाँ पे वापस, देखता हूँ एक पंगे एरो बनाते हुए ना। 26 एरो बन जाएगा मैक्स, 26 एरो बना लेते हैं। अभी जाएंगे ना पोकेमोन पकड़ने, तो इसका काम आएगा। तो फिर टाइम लगेगा यार इसे बनाने में, अभी टाइम लगेगा इसे। अरे यार ये तो बड़े धीमे बन रहा है यार, इतने धीमे बनेगा फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में। अरे अच्छा यार कोई आके बना देगा इसे, तो तब तक मैं जाता हूँ आर्मर रिपेयर करने। कोई आके बना ही देगा इन सब में से, कोई तो आके बना ही देगा। पहले मुझे ये रिपेयर करना है शील्ड, और ये सब रिपेयर करना है। शील्ड कैसे रिपेयर होगा? इसके लिए और वुड चाहिए यार, अब और वुड तोड़ के आना पड़ेगा उस शील्ड रिपेयर करने के लिए। तो अभी वापस इसके तोड़ने जाता वुड, आ गया वुड तोड़ने। टूट जा यार बहुत टाइम हो गया। 22 वुड मिल गया हमें वापस, और यहाँ पे कुछ और स्टोन पड़ा हुआ है इसे उठाएंगे। तो इन्हें तोड़ तो दिया, वापस कौन रखेगा? वापस भी रख देते जाके, वो रखता है ना कि वो जो शिप जैसा पोकेमोन है वो वापस जाके रखता है। मैं वो अभी मैंने दुएंगा रखे हैं, बाकी सब तोड़ते हैं ना। तो वापस आ गया मैं, तो रिपेयर कर लेता हूँ इसे। और भी ये रिपेयर करना था, और टॉर्च रिपेयर करना था, पिकैक्स रिपेयर करना था ना, पिकैक्स पर रिपेयर करते हैं पिकैक्स रिपेयर। तो आमर तो रिपेयर हो गया, अब चंगता हूँ वापस। और ये अभी तक बन ही रहा है, ये बना रहा है ना वो दूसरा पोकेमोन। तो पहले खाना खा गए तो एच ई पी कम है,
हमारे पास है 7A21 है ना, तो खुद भी खंग देता हूँ और इसे भी खंगा देता हूँ। फॉक्स पागो 7 ही तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक और चेस्ट रख देता हूँ जिससे सामान उठा उठा के इसमें रख दें, तो भैया 4 आ गए मदद करने। अरे यार कुछ काम नहीं है, मेरी मदद करने आ गए बस। तो ये 3 मिनट में 3 सेकंड में बन जाएगा, तो बन गया ये। अब इसमें जो फालतू तो सामान है इसमें डाल दे, तो बेकार सामान तो इसमें डाल दिया मैंने। अब वापस चलता हूँ, तो अभी और क्या करना है, अभी क्या करना है, तो यहाँ पे मैं कुछ ये भी बना लेता हूँ खाना नेक्स्ट टाइम के लिए, कुछ होगा तो मेरे इन्वेंट्री में। तो ये क्या है, ग्रिल्ड चिकपी, आज चिकपी खाएंगे, आज दो बन सकता है ना चिकपी। तो ये बना देगा, मैं ही बनाऊँ? अरे यार ये आके बना देगा, कोई बात नहीं। सामने तीर नहीं बने अभी तक, अरे यार क्या बंदे, अभी तक किसी ने तीर नहीं बनाया यार। तो यार खुद बनाना पड़ेगा तीर, या स्पीड एंड, ये बना देगा तीर। तो यार चंगा खुद ही बनाएंगे तो तीर है ना। तो तीर भी बन गए, अब देखता हूँ कुछ बेस अपग्रेड करने का है इसमें कुछ, तो अभी क्या करना है बेस अपग्रेड करने के लिए ये लिख लेता हूँ। हॉट स्प्रिंग बनाना है, एक फर्नेस बनाना है, तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। टेक्नोलॉजी में जाकर देखता हूँ कि कैसे बनेगा। तो इसे बनाने के लिए कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये इसे यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है। अच्छा इस पर हम वाइट कर सकते हैं क्या, इस पे अगर शॉर्ट पे इसका सही रंग बना के है ना। तो ये यहाँ पे भी नहीं है, और ये कौन सा आउटफिट है, दो नए आउटफिट खोगे ना, ये दोनों आउटफिट अनलॉक करेंगे तो है ना, जो नया नया आउटफिट। और ये रहा हॉट स्प्रिंग, तो ये हॉट स्प्रिंग अब करेंगे तो हूँ। ये क्या है, सैंड बॉक्स, और वो नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे वर्क होंगे हमारा है ना फर्नेस। तो पहले देखते हो कैसे बनेगा ये हॉट स्प्रिंग, कैसे बनेगा। इसके लिए हमें चाहिए पॉन्ग फ्लैश, ये चाहिए पॉन्ग फ्रूड, 10 चाहिए ये पैंग फ्रूड। तो देखते हो मेरे पास कितना होगा, गाइस 10 तो नहीं है पैक फूड यार, 6 ही पैक फूड है, तो अभी तो हम बना नहीं सकते वो यार, वो तो बनेगा नहीं अभी। तो अब देखते कुछ और बना के देखते दूसरा वाला, तो हमें उसके अब अपना एक नया अपग्रेड करना पड़ेगा है ना। तो ये अभी बनेगा नहीं मेरे पास, ये 6 ही है पैक फूड, और इसमें चाहिए 10 पैक फूड बनाने के लिए, 10 नहीं है मेरे पास। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गया है, आज हमें जाना है पोकेमॉन्स पकड़ने के लिए। पहले बाहर जाके देखता हूँ क्या है बाहर, कुछ है नया नहीं है। अरे कोई पोकेमोन ही आ जाता हमारे बेस में, तो ये पैंग इस पर और बना लेता हूँ। आज पोकेमोन पकड़ने भी जाना है बाहर, तो किसी दूसरे आइलैंड पे चलेंगे जिस पोकेमोन हो अच्छे खासे। तो 5 पैंग इस पर बनाएंगे, और ये दो नए आउटफिट भी हैं, इन्हें भी अनलॉक कर लेता हूँ, जिससे हमें एक गर्मी का आउटफिट एक ठंडे का आउटफिट मिल जाएगा। मेरे पास दोनों हैं ही बनाने, क्योंकि ऑर्गन चाहिए ना, आइस ऑर्गन और ये फ्लेम ऑर्गन दोनों हैं मेरे पास, बस वो चाहिए क्लोथ। तो मेरे पास वोंग तो हो गई इसमें पड़ा हुआ है ना, तो हाँ वही चाहिए अभी, कंगोस चाहिए। तो कंगोस बनेगा वोंग से, अभी मेरे पास रखा होगा वोंग उसमें अच्छा खासा, तो अभी वोंग क्या आऊँगा उसमें से। तो कंगोस भी बना गया है जितना चाहिए था, 10 बना गया, कुछ ज़्यादा ही इतना नहीं चाहिए था फिर भी। तो अभी कंगोस भी बन गया, अब देखता हूँ ये बना के बनेगा नहीं। तो ये रहा, ये है टुंडगा आउटफिट है यार, बहुत टाइम हो गया इसे बनाने में, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है बनाने में। तो आखिरकार ये बन चुका है टुंडगा आउटफिट, अब एक और आउटफिट बनाना है। ये शायद ठंडी का आउटफिट है ना, वो गर्मी का होगा। तो ये रहा ट्रॉपिकल आउटफिट, तो इसका ऑर्गन भी है हमारे पास फ्लेम ऑर्गन, तो ये भी आखिरकार बन गया ट्रॉपिकल आउटफिट। तो इसे भी लेता हूँ, मैं कौन सा पहनूँ, यहाँ पर गर्मी है ना, तो गर्मी वाला पहन कर देखता हूँ मैं। तो ये रहे दोनों, ये ट्रॉपिकल और ये टुंडगा आउटफिट, दोनों का वो सेम है, डिफेंस और हैंग दोनों का सेम ही है। अरे ये ठंडी की ककड़िया है, गर्मी का पहना ना तो ठंडी की ककड़िया, ये पहनता हूँ टुंडगा आउटफिट। हाँ इसमें सही है यार, पता नहीं इस बार ठंड क्यों ककड़ा था, पता नहीं वो गर्मी का था ना, किस चीज़ का था, या ठंड से बच, ये गर्मी का था तो ठंड बढ़ाता हुआ है ना, और ये गर्मी बढ़ा रहा है। अच्छा तो दोनों का सेम ही है, दोनों का 25 डिफेंस है और 70 हैंग थे दोनों का है ना। तो ये रहा वो आउटफिट टुंडगा। तो गाइज ये भी एक है पैराशूट, ये बना लेता हूँ, काम आएगा बड़ी बड़ी जगह से नीचे जाने के लिए, तो अभी मैं जाऊँगा अभी, तो ये भी काम आएगा है ना वहाँ पे। तो ये भी बन गया आखिरकार पैराशूट, इसे बनाने में बहुत टाइम लगा, इसमें सीखता क्या ये इतना देर लगता है इसे बनाने में, खुद ही हाथ से बनाता है ना शायद। तो हमारे पास अभी है 67 पैंग स्पेयर है, तो इतना तो सही है।
और कुछ बनाने का है इसमें या नहीं है? पैंग्स फेंकेंगे, वुड और चाहिए है ना, तो वुड तोड़ के लाता हूँ थोड़ा बहुत। और तो यहाँ पे दो ही वुड है मेरे पास, तो थोड़ा और यहाँ से, और ऐसे उड़ सकते हैं इससे। ये तो सही चीज़ है पैराशूट। और ये भी है, इनहेंस कर लेता हूँ तो मैं बढ़ाता हूँ स्टेमिना बढ़ा लेता हूँ है ना, या हेल्थ बढ़ाऊँ। अच्छा हेल्थ बढ़ा लेते, इस बार 1100 हो जाएगा है ना। और स्टेमिना बहुत कम है यार बंदे का, स्टेमिना बढ़ा देता हूँ। एक एग एग भी है मेरे पास, कॉमन एग। ये एग का वो बनाऊँगा बाद में, देखूँगा एग कैसे बनेगा। तो ये 3 शॉट बो मेगा है गाइज, इसे मैं कर लेता हूँ। और ये मेगा हुआ था तो ये फर्नेस भी वापस अनलॉक हो गया, फर्नेस बना दूंगा अभी मैं। तो देखता हूँ फर्नेस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो फर्नेस है ये, तो इसमें वुड चाहिए है ना, तो वुड तोड़ने आ गया हूँ। वुड की बहुत ज़रूरत है इस गेम में, वुड ही सब कुछ है इस गेम में। तो वुड तोड़ गया मैंने इनफ जितना भी चाहिए था। ये पता नहीं मैंने वुड का ये फार्म जैसा कुछ बनाया, काम ही नहीं आया। कोई पोकेमोन इसे तोड़ ही नहीं गा, कोई अच्छा पोकेमोन मेरे पास है भी नहीं जो तोड़े। अरे यार आग कैसे लग गई अब है यार, बड़ी वो है इस गेम में, जगह से ऊपर के गई आग लग गई है यार। अभी आग बुझेगी कैसे? ये हमारा शिंग टूट गया क्या? क्या हुआ अभी? शिंग डैमेज तो नहीं हो गया? नहीं क्या हुआ, आग तो बुझगी। तो ये बना देता हूँ जल्दी से। तो इसको अभी 27 सेकेंड, 18 सेकेंड बाकी, कहाँ आया बाकी आओ। तो इसे बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है यार। चारों आ गए फिर भी, अब 5 सेकेंड बचे ना, 5 4 3 2 1। तो फर्नेस भी आखिरकार बन गया है। तो इस फर्नेस में हम क्या चारकोल और इंगट बना सकते हैं ना। तो इंगट मैंने सुना है बहुत काम आता है इस गेम में, अभी तक तो मेरे कुछ काम आया नहीं है। तो मैंने सुना आगे बहुत काम आएगा ये इंगट, तो आगे हो सकता है बहुत ज़्यादा ही काम आए। तो पहले ये बना लेता हूँ, उसके 72 बन जाएंगे बैगीज। तो ये बैगीज से ये बंदा के इसको पका देगा, तो इसी काम तो आती है शायद, और किसी काम थोड़ी आता है ये इंगट वंगट, और ये बनाने के तो काम आता है। तो मैं भी इसमें कर देता हूँ, बंदे आके करेगा काम। तो एग इनक्यूबेटर बनाने के लिए हमें कंगोत चाहिए, तो उसके लिए पहले मैं ये फार्म बना देता हूँ कंगोत का रेंच, जिससे हमें बहुत ज़्यादा कंगोत मिल सकता है। इसे बनाने के लिए अभी वुड चाहिए यार, वुड की कितनी ज़रूरत पड़ती है इस गेम में। और इसे किसने मारा? चिकी पी को, उसी ने मारा होगा जिस पोकेमॉन को मैंने छोड़ा था ना अभी, उसी ने मारा होगा चिकी पी को। तो वुड तो बहुत तोड़ना पड़ेगा यार, वुड की बहुत कमी होती है इस गेम में। तो आखिरकार वुड भी मिल चुका है, रात भी हो चुकी है, और यहाँ पर मैंने रेंच बना दिया। अभी 2.5 मिनट लगेंगे इसे बनाने में, आ गए तो बड़े वो है, 2.5 मिनट तक नहीं लगे थे मुझे किसी को भी अभी तक बनाने में। ये कहाँ है चारों हो जाएंगे क्या हो यार, बड़े धीमे आते हैं आगे, बड़े धीमे काम करते हैं। मैं चारों आ गई, अभी भी 30 सेकेंड चाहिए यार बनाने के लिए, 38 सेकेंड लगेंगे ना अभी बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ बनाने के बाद। तो आखिरकार बन गया ये रेंच, जिसमें ये गैम्बर आके वो बनाएंगे कंगोत, नहीं यहाँ से वोंग निकालेंगे ना, तो उससे कंगोत बन जाता है वोंग से है ना। तो चलते हैं अभी सोने, और इसे भाग देते अखबार नहीं करेगा। तो चलो गाइस सो जाता हूँ मैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमें जाना है पोकेमोन पकड़ने के लिए, कैसे भी आज ही जाएंगे यार, कभी नहीं जा पाए सामान इकट्ठा करने के चक्कर में। तो आज जाना है हमें पोकेमोन पकड़ने, जितने हो सके उतने। चलो मैं कहाँ जाऊँ ये देख लेता हूँ मैं। तो जहाँ पर कहीं गए तो उससे आगे जाएंगे, जहाँ पिछले एपिसोड में गया था मैं, तो यहाँ गया था ना, तो इसके आगे जाता हूँ, इसी के आगे तक जाता रहूँगा, मैप भी तो और अनलॉक करना है। तो पहुँच गया हूँ मैं डेसोंगेट चर्च पर, हमें जाना है इससे आगे। तो बहुत देर से कुछ दिखा तो नहीं है यार, तो सामने क्या है ये? तो गाइस विनेज मिल चुका है, विनेज अभी तक तो नहीं देखा था मैंने, एक बार भी पहली बार देखा यार विनेज। तो ये स्मॉग सेटलमेंट विंगेज, तो देखते हो इसमें क्या खास है इस विंगेज में। तो सामने कुछ कोई बंदा बैठा हुआ है, क्या है ये? इसे ही पकड़ सकते क्या मैं ऐसे बंदों को भी? अब यार बेकार बेकार बातें कर रहा, बस इसे ही पकड़ूंगा किसी दिन आके यार। जब भी इससे बात करो कुछ ना कुछ बेकार बातें ही करते रहेगा। और ये क्या है, यहाँ पे घर जैसा बना हुआ है, बहुत सारे विंगेज है ना। तो ये सामने ये एक बंदा गार्ड जैसा खड़ा हुआ है, ये क्या कह रहा है पंग टेमर आग कुछ के है दे हार्डिंगी। अरे यार ये भी बेकार की बातें करूँगा। तो सामने है ये फास्ट ट्रैवलिंग, इसे अनलॉक कर देता हूँ, जब भी आना होगा यहाँ पे आ सकता हूँ फिर फास्ट ट्रैवलिंग से। तो अब ये फास्ट ट्रैवलिंग अनलॉक हो चुका है, और सामने ही कोई ऐसा बॉस फाइट है जो हम करेंगे किसी दिन यार, अच्छा से पोकेमोन पकड़ के। और मैप अभी बहुत बड़ा है, हमें बहुत एक्सप्लोर करना है इस मैप में। चलता हूँ मैं आगे, देखता हूँ कि अच्छा से पोकेमोन मिलता है या नहीं। तो ये अच्छी जगह तो है यार, अच्छी जगह मिलेगी ना ऐसे एक्सप्लोर करते करते, तो वहीं बनाएंगे हम बेजू, एकदम प्लेन जगह हो।
और ये पोकेमोन तो है मेरे पास। हाँ ये पोकेमोन तो है, इसी की बात करते, ये सही पोकेमोन है, मारता भी सही है। और सामने ये कहाँ से आ गए थग? अरे ये तो किसी से गड़ गए, गड़ने दे इसे यार, इसके इसके पीछे नहीं पड़ना। हाँ इसमें मैंने सुना है, इसमें पुलिस को मारने से वांटेड लग जाता है अपने ऊपर, और उसके बाद बहुत दिक्कत होती है उसे छुड़ाने में। पुलिस वाले घर तक आकर मारते हैं उसके बाद, चाहे कितने भी दूर मैप में तुमने उसे मारा हो, फिर वो घर आके मार दिया। मैं सोचा नीचे जाऊँ, नीचे खुला सा कुछ जगह है, अच्छा सा जगह नीचे। अरे यार वो पीछे तो नहीं आ गए थक, उन्हें मारना नहीं यार, फिर मार तो दूंगा, फिर उनके टीममेट ना आ जाए। बाकी चंगता हूँ मैं सामने, देखता हूँ अच्छा सा है या नहीं, नीचे चंगता हूँ तो नीचे आ गया हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ये देख लिया था निटमस, और सामने ये पकवान चाहिए, यही तो तोड़ता है वो स्टोन, तो ये पकवान चाहिए। मार यार, अटैक है एग्रेसिवली, मार क्यों नहीं गई, मार ना जाना, मार उसे मार, अबे उसे मार, देखो अभी मारने आएगा। अरे आगे पोकेमोन बड़े अंधे, देखो मार नहीं रहे, मार अब मारेगा, अब मारेगा। ओ 350 को एक बारी में डैमेज दिया, रुक जा आगे, 300 का डैमेज दे रहा था ना इसमें, ये कुछ ही शॉट में मर गया, 2-3 शॉट में ही। अरे यार देखो पोकेमोन दिख चुका है सामने उड़ता हुआ, इसे पकड़ूंगा, ये कुछ अच्छा पोकेमोन होगा ना, उड़ तो रहा है, काश इस पर हम सवारी कर सकें। यार डैमे यार इसे मार दिया, तू हट यार मैं ही मारूंगा इसे, बस थोड़ा सा डैमेज दे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डैमेज नहीं, ज़्यादा डैमेज नहीं, थोड़ा सा बस, तो आधी डैमेज हो गई, और बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, 87 आ जाएगा, ये आ जाएगा, आ जाएगा 100% आ जाएगा, 87% था इसका। तो सामने और ऐसे कुछ पोकेमोन तो हैं, तो गाइज मैं सोच रहा हूँ हम सामने चलेंगे इसके उस साइड, मैंने एक आइसलैंड देखा है उधर, आइसलैंड देखा ना, तो उधर ही चलता हूँ मैं, एक आइसलैंड देखा है इसके उधर, तो वापस चलता हूँ मैं इसके उधर, तो हड्डी पर से जाऊँगा, इसके ऊपर जा सकते ना, तो हमारे पास पैराशूट भी तो है, उड़ते हुए भी तो जा सकते हैं, देखता हूँ उधर को अच्छा सा पोकेमोन ही मिल जाए हमें। अभी बहुत एक्सप्लोर करना मैं बाकी, मुझे पता है इस गेम में बहुत सारे ऐसे बॉस पोकेमोन है, और ऐसे बॉस पोकेमोन से भी खतरनाक पोकेमोन है जिन्हें मैं पकड़ भी नहीं सकता, पकड़ सकता हूँ मैं बाद में जब अच्छे पोकेमोन मेरे पास खुद आ जाए। अरे यार मेरा HP क्यों कम हो रहा है, नहीं मेरा HP क्यों कम हो रहा है, क्या कुछ है क्या यहाँ पे, अभी पहुँचना पड़ेगा वहाँ तक। अरे मैं नहीं पहुंच पाऊंगा शायद, मैं HP बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, मुझे जल्दी से इसके ऊपर जाना होगा शायद, स्टैमिना ख़त्म हो गया इसके वजह से HP कम हो रहा है यार, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे यार मर गया यार, स्टैमिना ख़त्म हो गया उसके वजह से मैं मर गया, मुझे पता ही नहीं था स्टैमिना ख़त्म होने से भी हम मर सकते हैं। अरे यार तो आ चुका हूँ मैं यहाँ पर वापस, मरा था नीचे, मगर ऊपर कैसे आया मैं सामान, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, मरा था नीचे सामान ऊपर आ गया, तो ये सारा सामान मैं उठा लेता हूँ वापस चलता हूँ यहाँ से, सामने वामने नहीं जाना यार, दूसरी जगह जाऊँगा, यहाँ जाने की वजह से मैं मर गया एक बार ही, सामने तब जाऊँगा दूसरी जगह जाता हूँ है ना, तो चलता हूँ वापस, धीमे धीमे जाऊँगा कि स्टैमिना ज़्यादा ख़त्म ना हो, सामने तक मैं पहुँच जाऊँगा, इतनी तो ज़्यादा दूर है। जाता हूँ सामने, सामने कुछ गुफा सा दिख रहा है, उस गुफा में जाकर देखता हूँ क्या है, तो सामने दिख रहा है कुछ गुफा सा, तो सामने को पोकेमोन भी है ना, सामने आता हूँ उस गुफे वांग में, उस गुफे में आकर देखूंगा पहली बार क्या है उस गुफे में, फिर अच्छा पोकेमोन ही दिख जाए अंदर, तो इस पोकेमोन को निकाल लेता हूँ, तो ये पोकेमोन सही मारता है ना, इसमें से निकाल कर, सामने एक गुफा है तो इसमें कुछ है, तो इस डंजन में है, डंजन है उसमें गैवंग 13 का पोकेमोन, तो इस डंजन में है गैवंग 13 का पोकेमोन, तो जाके देखता हूँ इस पोकेमोन को, कुछ खतरनाक तो नहीं होगा, गैवंग 13 है का है, तो जो ज़्यादा गैवन के होते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं ना, तो ये नहीं लगता मुझे ज़्यादा ख़तरनाक होगा ये पोकेमोन। तो बहुत देर बाद मैं आ गया हूँ डंजन के अंदर, तो यहीं से शायद हम वापस भी जा सकते हैं ना, यहीं से वापस, तो ये रहा पहली बार मैं आया डंजन में अभी, तो कुछ खास तो अभी तक दिखा नहीं इस डंजन में, ये सब हम तो सकते क्या जो है बड़ा अच्छे अच्छे चीज़ पर, और ये क्या थी यहाँ भी थग है यार, ये कहीं भी पहुंच जाते हैं, मार इन्हें अबे यार, अब मार क्यों ना, उस वक्त तो मार गया था, 300 का डैमेज दे रहा था उसे, मैंने क्यों नहीं मारा, मार पकड़ सकते क्या हम इसे, आ जा यार, नहीं पकड़ने का आ क्यों नहीं, आ क्यों नहीं ऐसे पकड़ने का, मार इन्हें, पकड़ तो सकते नहीं, मार इन्हें, मार क्या हो रहा है यार, वो मर गया, 237 का भी डैमेज दिया उस वक्त, क्यों नहीं दे रहा था, फिर सामने दिख चुका है मुझे बॉस पोकेमोन, ये बड़ा सा ट्रिक कितना मस्त लग रहा है यार यहाँ से, और ये रहा वंग 13 का पोकेमोन, ये ना हाँ यही हो केट, ये तो मेरे पास है,
वो भी गवंग 13 का ही 11 का ही है, सॉरी 11 गवंग का, भाग 13 गवंग का दिखा था, यही तो यही है ना। ओके तो इसे पकड़ना, मुझे मारना नहीं है, मारू नहीं पकड़ू इसे, यही है शायद वो। तो बहुत डैमेज तो दे दिया है, मैं भी तीर से मारेगा हूँ 52 का। मुझे ये समझ नहीं आता इसमें जो बॉस पकवान होता है उनको इतना कम डैमेज क्यों लगता है, जबकि बाकी पकवान से तो ज़्यादा का डैमेज लगता है। तो अच्छा खासा डैमेज लग गया इसे, बस मरने ही वाला है, मारूंगा नहीं, आप पकड़ूंगा 49 बचा है ना, आप पकड़ूंगा 3%। आ जा यार बाहर आ गए तो अब मारूंगा तो मर जाएगा, मुझे पता है एक शॉट में मर जाएगा यार, मारना नहीं है इसे यार, मारना नहीं है भाई, तू जा यार। अरे यार ये निकलगा पीछे से इसके, चूज और मार गए यार। आ जा इस पर क्या आ जाएगा इस पर, अरे आ गया। तो गाइस पहली बार हमने एक बॉस पोकेमोन पकड़ लिया है, वैसे इसका ही छोटा वर्जन है मेरे पास, मगर ये एक बॉस पोकेमोन है डंजन का, तो इसको पकड़ छोटा को मार देते, ये तो है मेरे पास, इसका क्या करूँगा मैं, इसे मार जल्दी, मार यार जल्दी मार, बड़ा टाइम लगा रहा यार तू भी, एच पी भी कम है मेरा, इन्होंने मार मुझे, मैं मर जाऊँगा, मुझे जाके पहले खाना पड़ेगा कुछ। तो गाइस मैं जा रहा हूँ वापस डंजन से, क्योंकि डंजन में जो काम था वो करेंगे, कुछ खास पोकेमोन भी नहीं है इसके अंदर, तो वापस ही जाना पड़ा कुछ, क्योंकि कुछ है तो है नहीं इसके अंदर। तो आगे हमें दोबारा विंड स्किप्ड हिल्स में, पहाड़ के अच्छे पोकेमोन है नहीं है यार, तो इसको देख के चलता हूँ मैं वापस। अब जा रहा हूँ मैं इस साइड, और ये कुछ दिखे हैं मुझे वापस वही जो मैं पकड़ तो गया था, अरे यार फिर एक को मार दिया उसने, दूसरे को पकड़ गया तो उन्होंने, तो ये दो हो जाएंगे, एक तो है मेरे पास 77, अब आ जाएगा 77% चांस था इसका, अब तो आ ही जाना चाहिए। और सामने कौन सा पोकेमोन है, वो गैंग अब भी हो चुका शायद मेरा, हो गया क्या, हाँ गैंग पक गया, 11 गैंग हो गया। अब सामने आकर देखते हो, सामने कुछ है स्मोक सेटलमेंट में, तो अभी मैं गया तो उसका आगे भी जाता वो भी, अगले एपिसोड में जाऊँगा मैं, आधा अगले एपिसोड में कोशिश करूँगा कि आधा मैं कुछ करूँगा मैं, अभी पहले करेंगे तो इनहेंस, तो इस बारी मैं करेंगे तो हेल्थ है ना, हेल्थ करेंगे तो हेल्थ बढ़ा दूँगा इस बारी पूरा। तो आ गया हूँ मैं ऊपर वापस, तो यहाँ पे देखते हो मैं कुछ, अरे ये इससे अभी पंगा नहीं, इससे ही पंगा नहीं लूँगा, अरे बहुत मारेगा, जब कोई अच्छा पक्का मंगाऊंगा तब इससे पंगा लूँगा, बहुत मारेगा ये, तो इसके पास कुछ है जाऊँगा तो मारेगा, तीनों नहीं ये तो ये ओपन करूँगा, कॉपर की यूज़ होगी मेरी, एक क्या मंगा अच्छा सामान मंगा। और ये कोई सा ब्रिज दिखा है, इसके उधर कुछ आग जैसा जगह है, उधर जाकर देखता हूँ। तो ये आग जहाँ पर जंगते जहाँ पर वहाँ पर शायद थग का बेस होता है मेरे ख्याल से, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं यहाँ पर जितने भी आग जंगे जब सारे जगह जाकर देखूँगा क्या क्या होगा उधर। तो ये कहा ये पैंगा बेस, तो ये मारेंगे तो इतना ज़्यादा मारेंगे, ये तो मुझे पता है यार, ज़्यादा मत मारना, मर गया तो आसपास वो भी नहीं है, ज़्यादा टाइम हो जाएगा आने में। तो इसके अंदर देखता हूँ कोई अच्छा पोकेमोन है या नहीं, तो उन्होंने कैद कर रखा। ये कौन सा पोकेमोन है, पिकाचू जैसा, अरे पिकाचू और टाइगर का मिक्सचर है ये तो पोकेमोन, इसका नाम क्या है, स्पार्क स्पार्किट, देख स्पार्किट नाम का पोकेमोन मिल चुका है गाइस हमें। और सामने दो गामा जैसे पोकेमोन, इनमें से एक को पकड़ के देखते हैं, कोई हाथ कोई हत्या आ जाए मज़ा आएगा फिर। तो ये रहा वो गामा जैसा पोकेमोन, इसको मार सामने, मैं कंफ्यूज मत हुआ कर यार, मारे ने पूरा मत मार दिया है ना। तो ये है कितने का बंका, ये मारे ने मार लगभग 9 का है ये, 28-43 का जाएगा, भाई आया क्यों नहीं, अरे यार मर भी गया आया भी नहीं यार, ये कैसी बात हुई, मार मार पूरा मत मार दियो, 19% आ जाना चाहिए यार, 19% था 39-68 आ गया, हाँ आ गया 9900 हो गया। तब उन्हें छोड़ दिया, उन्हें मत मार, मैं वहाँ जा रहा हूँ वापस, तुझे मारने तो मारते वापस आ जा, वो मारता रह जाएगा, मैं चला जाऊँगा क्या पाएगा। सामने को मैम अगस्ट है, तो मैम अगस्ट से तो अभी पंगा नहीं कर सकता मैं, बहुत मारेगा फिर ये मैम अगस्ट से किसी और दिन। और सामने एक मंकी जैसा पोकेमोन दिखाया, सामने एक और शायद बेस है उनका आग जगह सामने, तो इसको पकड़ना है मुझे, मारना नहीं है, आ जा ये मार नहीं गया, ये स्टक हो गया शायद एक जगह ही, पता नहीं मार नहीं आता वो 68 आ गया 100% हो गया जंगल, एक और है टेंजी नाम का पोकेमोन मिल गया, मैं नीचे बेस है इसमें जाकर देखता हूँ कौन सा पोकेमोन है, अरे कोई अच्छा पोकेमोन मिल जाए बेस में तब मज़ा आया यार। तो जंगता हूँ उड़ते हुए इनके बेस में, देखता हूँ कौन सा पोकेमोन होगा यहाँ पे,
तो इसको छोड़ता हूँ, ये इनको मारता रहेगा। क्या पत्थर फेंक रहे क्या ये? पत्थरों से क्या होगा यार, कुछ बम बम फेंको, पत्थर फेंक के मारोगे। अरे 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 मर कैसे गया मेरा पोकेमोन? ये क्या फेंक रहे पत्थर? बम, अरे बम फेंक रहे हो भाई, पहली बार देखा है कोई बम फेंक रहे, इतना डैमेज पड़ रहा है यार, भागना पड़ेगा यहाँ से तो यार। पहली बार सही में पहली बार देखा कोई बम फेंक रहा है इनमें। अरे यार ये तो गलत बात है यार, ऐसा तो हम कुछ ही बम में मर जाएंगे, 300-300 का डैमेज पड़ रहा है उस बम से। ये कुत्ते पकड़ने यार मुझे, ये कुत्ते पकड़ने यार, कुछ आगे नहीं होते ना, मैं कुत्ता पकड़ेंगे था सही में, कुत्ता पकड़ना यार मुझे। मार इसे, कुत्ते को मार, कुत्ते को मार, कुत्ते को। अरे दो, अरे भाई एक शॉट शॉट में दोनों कुत्ते मर गए, उन्होंने भी बम फेंक दिया इधर से, ये भी मार गया यार, दोनों एक शॉट में दोनों कुत्ते मर गए यार। अब तो भागना पड़ेगा यहाँ से, अब कुछ नहीं दिख रहा, अब भागना पड़ेगा इधर। और भी है गाइस, यहाँ यहाँ मैं बेस बना सकता हूँ, यहाँ पे कुछ और भी है, खुली जगह भी है बड़ी सी, तो यार यहाँ पर बेस बनाने का सही है, हो सकता है या कभी और बेस बनाऊंगा, जब बेस तो अपग्रेड करके उसके बाद बनाऊंगा, क्योंकि अपग्रेड करने के बाद आ जाता है 2-3 बेस बनाने का। मैप भी और एक्सप्लोर करके कोई अच्छी से जगह जगह ढूंढ के उसके बाद बेस बनाऊंगा। सामने है फास्ट ट्रैवल, तो यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा घर में, क्योंकि ये फेंक रहे हैं बम, और इन्होंने बम फेंका तो हम मर जाएंगे। वह यहाँ पे ये भी, हाँ ये गोली मार गई, ये से बंदे ही बम नहीं फेंकते मारेंगे कोई, वो सबसे बढ़िया वो बंदे होते हैं जो उससे मारते हैं बैट से, वो बंदे सही होते हैं, उनके पास ना जाओ तो डैमेज नहीं पड़ता यार। ये तो बम फेंक रहा है, कोई गोली चला रहा है, वापस जाना पड़ेगा बेस पे। अब तो आ गया हूँ मैं वापस बेस पे, तो अब तो वापस वहाँ पे नहीं जाऊँगा, वहाँ पे जाऊँगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो देखता अभी कुछ पोकेमोन्स, ये मर गया था कैपिटा, तो इसको डालेंगे तो इसमें वापस, और बाकी पोकेमोन्स तो सही हालत में है, तो उनको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस कैपिटी को, कैपिटकी को डांग के कौन से उठाऊँ इनमें से, ये 4 का, ये 5 का, ये 11 का है ना, ये बॉस पकवान पकड़ा था ना मैं अभी हमने, तो बॉस पकवान उठाएंगे, तो ये बॉस पकवान सही है, तो इसको, ये दोनों 11 का, मैं इसका HP 1000 ज़्यादा है कुछ। चलो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो गुड बाय नेक्स्ट एपिसोड।